नमस्कार। इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप आरपीसी के एग्जाम भी इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके बाद में आप पा सकते हैं अनलिमिटेड लाइव रिकॉर्डेड एंड लाइव कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी। ठीक है, ये आपके सामने प्लान दिखाई दे रहे हैं। कोई भी प्लान चूज कीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा DM10, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। जैसे 24 महीने का प्लान है वो 8,400 रुपये का है, यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो DM10 तो 10% के डिस्काउंट के साथ पड़ेगा 7,560 में। ये कोर्सेज अवेलेबल है आपके अनअकैडमी के लर्निंग एप प्लस पे। RAS, RPSC, SI, पटवार, हेडमास्टर, वन रक्षक, वनपाल, जूनियर इंजीनियर, JBB, NL, रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकेंड, एस्पायर इंग्लिश मीडियम, कॉलेज लेक्चर एग्जाम। ठीक है, अभी जो नए कोर्सेज हैं वीडियो के हैं और साथ में है राजस्थान पुलिस के। एक सब्सक्रिप्शन पर आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ऐसा केवल अनअकैडमी पर ही होता है। नमस्कार, मेरा नाम दामोदर शर्मा है और मैं आपको आज यहाँ पे एक नई जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और ये है नई वैकेंसी अपडेट। ठीक है, न्यू वैकेंसी अपडेट है, उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। पदों का विभाजन किया, कोरोना काल के बाद में बड़ी राहत, 29,000 नई भर्तियों का खाका तैयार, नवंबर में निकले। ठीक है, पिछले 2 साल से कोरोना काल में बंद पड़ी नई भर्तियों की राह अब खुलने जा रही है। शिक्षा विभाग ने बजट घोषणा की 29,000 भर्तियों का खाका तैयार कर लिया है। पदों का विभाजन करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। दिवाली के बाद नवंबर तक 29,000 पदों पर भर्ती निकाल दी जाएगी। सरकार ने पिछले 2 बजट में शिक्षा विभाग में 60,000 भर्तियों की घोषणा की थी। इनमें से 31,000 पद रीट भर्ती के हैं। इसके अलावा 29,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बीते 1 साल से बेरोजगार लगातार नई भर्तियों की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते नई भर्तियां अटकी हुई थी। हाल ही शिक्षा महकमे की एक बैठक में इन भर्तियों पर निर्णय लिया गया। ठीक है, 31,000 पद जो रीट के जरिए, ये तो प्रक्रिया दिन अभी आपको बतान सर की जारी कर दी गई है, जल्दी रिजल्ट आने वाला है। कौन सी भर्ती में कितने पद होंगे? 10,157 जो पद है वो कंप्यूटर अनुदेशक के होंगे, 10,000 सेकंड ग्रेड टीचर के रहेंगे, 6,000 फर्स्ट ग्रेड टीचर के रहेंगे, 1,000 विशेष शिक्षक के रहेंगे, 461 प्रयोगशाला सहायक ग्रेड थर्ड वाले पद रहेंगे, 461 पीटीआई ग्रेड थर्ड के पद रहेंगे, 461 पीटीआई ग्रेड सेकंड के पद रहेंगे और 460 पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के पद रहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर अनुदेशक का सिलेबस जारी, 29,000 से कंप्यूटर में से 29,000 कंप्यूटर अनुदेशक के 10,000 पदों का सिलेबस जारी हो चुका है। विभाग ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भर्ती के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा में 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर 100-100 अंकों के होंगे। ठीक है, इधर अब तक शिक्षा विभाग दिवाली से पहले विभिन्न भर्तियों के न्यायालय में उलझे पेंच को सुलझाकर लगभग 5,000 अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाने में सफल हुआ है। अब विभाग इसी रणनीति के तहत 637 शारीरिक शिक्षक व वरिष्ठ अध्यापकों को नौकरी देने जा रहा है। ठीक है, तो कोरोना काल के बाद सरकार बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग में 29,000 भर्तियां निकाली जा रही है, ये स्टेटमेंट आया गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा राज्य मंत्री। ठीक है, प्रदेश के बेरोजगार लंबे समय से मांग कर रहे हैं, सरकार अगर 29,000 भर्तियां निकालती है तो बेरोजगारों को खुशियां मिलेंगी, उपेन यादव ने कहा। तो ये दरअसल नई भर्तियां आ रही है, आप तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की कंप्यूटर अनुदेशक की जो तैयारी है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी से आप दरअसल जो अनअकैडमी उसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें जो 1 साल का जो कोर्स है उसे ले सकते हैं, ज्यादा महंगा भी नहीं आरपीएससी का ये कोर्स। ठीक है, इससे निश्चित रूप से आपको इसमें फायदा रहेगा। ठीक है, तो ये जो भर्तियां ये निकाली जाएंगी अभी और जल्द से जल्द जैसे ही विज्ञप्ति आएगी तो आपको निश्चित रूप से इसके बारे में सूचना और दे दी जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको यही बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ था कि 29,000 जो नई भर्तियां उनका खाका पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और ये जो भर्तियां ना ये नवंबर में निकलेंगी। तो दीपावली पर खुशखबरी आ रही है आपके लिए, तो आप है ना तैयारी को रोके नहीं, तैयारी को जारी रखें। ठीक है, आपको बताया कि अभी 27 को RAS का भी
एग्जाम होने वाला है, तो उसके बाद में ये जो नई भर्तियां इनकी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, निश्चित है कि सरकार जल्द से जल्द चाहती है कि इनके एग्जाम भी हो जाएं, तो इसलिए निश्चित रूप से आपको जो तैयारी है वो जारी रखनी है, क्योंकि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जो पेपर है वो लेट होंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी जो सरकार है वो जल्द से जल्द है ना एग्जाम्स करवा रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको निश्चित रूप से जुड़ जाना चाहिए, और यही बताने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ था। तो आप निश्चित रूप से जो अनअकैडमी का 1 साल का जो कोर्स है ना वो खरीद सकते हैं, ठीक है ना, 1 साल का। और यदि आप मेरा उसमें रेफरल कोड यूज कर दोगे DM10, तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 साल का जो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिसके बाद में आप इन सारी भर्तियों में से जो भी आपको पसंद हो वो सब तैयारी कर सकते हो। ऐसा केवल अनअकैडमी पर ही आपको मिलेगा, एक्चुअल में अन्य जो है वो अलग अलग भर्तियों के लिए होते हैं, लेकिन अनअकैडमी पर आपको सारी भर्तियों की तैयारी मिल जाएगी, वो भी एक ही फीस में, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आप या आपका कोई भी मित्र अनअकैडमी का किसी भी प्रकार का कोर्स लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा DM10, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और राजस्थान 360 जो चैनल है उसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ये आपका अनअकैडमी है जो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।